हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे कॉलेज का जो जर्नी रहा है उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो एक्सपीरियंस है, आप लोग भी फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के पहले ज़रूर फील करोगे। तो चलिए इस स्टोरी को आपको बताते हैं और आपको अंदर से मोटिवेट करते हैं। तो ये स्टोरी है जब अपन लोग का फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया था और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे। तो हमारे रूम में हम लोग पाँच लोग थे और अलग अलग स्टेट्स के हमारे फ्रेंड थे। एक हरियाणा का था, एक उत्तर प्रदेश का था और एक बिहार का था, और एक हमारा बाहर का जो फ्रेंड था वो वहीं का लोकल था, वो आंध्र प्रदेश का था। तो ये स्टोरी उसी फ्रेंड के ऊपर बेस है। तो हुआ क्या था, चलिए बात करते हैं। एग्ज़ाम के 3-4 महीना पहले, जानते हो आप, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई बहुत जम के करते हैं, बहुत ज़ोर लगा के, और करना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है। और नया नया एक उमंग रहता है, नया नया जोश रहता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, चाहे मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में, चाहे MBBS में या फिर BDS या फिर BAMS या फिर BHMS में, सबका एक सपना होता है कि इस कोर्स को कंप्लीट करना है। इस कोर्स को करने के बाद प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है, रिसर्च करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ऐसा ही हमारा एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम था अन्ना। तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वहाँ पे भाई लोगों को अन्ना बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं, अन्ना आप लोग भी सुने होंगे। तो हुआ ये कि हम लोग जब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग तैयारी जो स्टार्ट किए थे वो संस्कृत सब्जेक्ट से किए थे। संस्कृत को पहले अपन लोग कवर कर लिए पूरा सिलेबस को, और उसके बाद फिर आए अष्टांग हृदय में, धीरे धीरे करके उसके नोट्स बनाए खुद से और सीनियर के से कुछ नोट्स लिए, और एक ही जगह बैठ के हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। आप लोगों को भी वैसे ही फर्स्ट ईयर में करना चाहिए। आप लोगों को सेपरेट नहीं भागना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं सब लोग एक जगह इकट्ठा होके, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बातें नहीं करना है। बहुत सारी बातें फालतू की निकलने लगती है, वो सब आपको नहीं करना है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करना है, उस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरे से ही पूछना है और एक दूसरे को ही पढ़ाने का कोशिश करना है। तो इससे क्या होगा, आपका मतलब आपके फ्रेंड का तो नॉलेज बढ़ेगा ही, आपका खुद का नॉलेज भी गेन होगा। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते थे। एनाटॉमी अगर कोई पढ़ रहा है हमारे फ्रेंड लोग तो वो एनाटॉमी का हमको बताते थे, अगर अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन हिस्ट्री का बताते थे। तो ऐसे करके सबके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज चला जाता था। और जानते हो मेडिकल है, इसमें तो नॉलेज जितना आप लेते जाओगे उतना कम है। मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं और हर एक राइटर का अच्छा से अच्छा बुक लिखा हुआ है और हर बुक में कुछ ना कुछ अलग है। तो मेडिकल में जब आप एंट्री लेते हो, जब सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको एक अलग टाइप का जोश रहता है, आपको उमंग रहता है, आपको लगता है हाँ BAMS का फर्स्ट ईयर क्लियर करना है, फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद सेकेंड ईयर में एंट्री लेना है और मस्त फार्मेकोलॉजी पढ़ना है और चरक संहिता पढ़ना है और आगे चल के एक अच्छा डॉक्टर बनना है। फर्स्ट ईयर तो मेन होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो फिर हम लोग सब एक जगह बैठ के पढ़ते थे। रात को क्या हुआ कि हमारा एक फ्रेंड है वो बाहर से आया, जिसके बारे में अभी बताया आपको, अन्ना के बारे में, वो आया, बहुत टेंशन में था। बोलता है भाई लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए, ऐसा क्यों? तो बोलता है नहीं यार, नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी था, थोड़ा क्या, बहुत ही प्रॉब्लम था, क्योंकि उसको उसके घर में पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम था। मतलब उसके घर वाले एडमिशन तो करा दिए थे, बट वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, क्योंकि घर वाले अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा से हो, चाहे वो गवर्नमेंट सीट पे हो, देखो पैसा तो लगता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो थोड़ा कम लगेगा, और थोड़ा कम अच्छे हो तो ज़्यादा लगेगा, 15-20 लाख रुपये लगेगा। तो पढ़ने में वो ठीक ठाक था और कॉलेज उसको मिल गया था, फिर भी उसको गवर्नमेंट का जो सीट था उसका भी पैसा पे करने का, मतलब उसके पास पैसा नहीं था। तो वो सब ये प्रॉब्लम बताया और बोला कि मेरे से एनाटॉमी नहीं बन रहा है, संस्कृत में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। उसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा था पर संस्कृत से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो एक दिन हुआ, हम लोग सब 4-5 लोग 6 लोग एक जगह ग्रुप डिस्कशन में पढ़े, सब एक दूसरे को नॉलेज शेयर किए। फिर रात हुआ, तो रात को 12-1 बजे उठे अपन, बोले यार चलो कॉफ़ी बनाते हैं, मस्त पियेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद फिर जो हमारा फ्रेंड है वो अचानक से रोने लग गया,
तो दूसरे कमरे में रोने लग गया। हम लोग एक फ्लैट लेके रखे थे, तो यार हम बोले कहाँ चला गया यार, अन्ना कहाँ है, अन्ना कहाँ है। तो बाकी जो फ्रेंड लोग थे वो तो अपने में बिजी थे, कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई छत पे निकल गया था, कोई टहल रहा था। बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेते थे हम लोग। देखो पढ़ाई हमेशा जब भी करो आप तो गैप लेके करना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी फील्ड के आप स्टूडेंट हो, 3 घंटा पढ़ लिए, 15 से 20 मिनट का गैप, फिर 1-2 घंटा पढ़े, फिर 15-20 मिनट का गैप। तो हम लोगों का ऐसे ही चलता था। रात के टाइम तो पूरा जगह रहते थे अपन लोग, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बज जाता था। सुबह जो दूध वाले भैया आते थे दूध देने, वो बोलते थे भैया आप लोग रात से, मतलब शाम को भी वो दूध देने आते थे, तो शाम को भी देखते थे हमको, हम लोगों को, तो पढ़ते रहते थे यार, हर समय पढ़ते रहते हो, बोलते हो किसी समय फ्री रहते हो कि नहीं रहते, आप लोग घूमने टहलने वाले जाते हो कि नहीं। हम लोग बोलते थे भैया इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर वाले का सपना है सबको पूरा करना है, खुद का भी सपना है कुछ करना है, तो कैसे घूमने घूम सकते हैं भाई। हल्का फुल्का टाइम निकाल के छत वत में घूम लेते थे। फर्स्ट ईयर मेन होता है, बेस है, फर्स्ट ईयर को आपको अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी है, इसलिए अपन ये सब बातें बता रहे हैं जिससे आपको पता चले कि फर्स्ट ईयर में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तब आसान है, मेहनत नहीं करेंगे तब बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। तो फिर होता यह है कि कॉफ़ी बनाए, अन्ना रो रहा था, उसको गए यार फ्रेंड लोग को लेके गए, बुलाए, चुप कराए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। बोलता है मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं पढ़ना है, ऐसा है वैसा है। फिर अपन लोग ऐसे करके समझा बुझा के उसको अपने रूम पे ही रख लिए, उसको उसका सिंगल कमरे का रूम था, वहाँ से थोड़ा 200-300 मीटर की दूरी पे था, वहाँ जाने नहीं दिए अपन लोग, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कहीं ये कुछ गलत ना कर ले, सुसाइड ना कुछ कर ले, डर लग गया था हम लोगों को। तो अपन उसको बोले यार तू रूम पे ही रह, यहीं पे अपन लोग खाना बनाते हैं, रोटी सब्जी जो भी बनाएंगे सब मिल के खाएंगे भाई लोग, और आराम से पढ़ेंगे जितना भी देर पढ़ने का इच्छा होगा। तो अपन लोग उस दिन ज़्यादा नाइट, फुल नाइट अपन लोग नहीं पढ़े, 2-3 बजे तक अपन लोग सब पढ़े, तो जितने देर तक वो हम लोगों के साथ था ना तब तक उसका माइंड ठीक था। तो यही होता है जब आप मेडिकल कॉलेज में रहोगे या फिर नीट का तैयारी करते रहोगे, तो आप अपने पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स रखो, फालतू फ्रेंड्स मत रखना, दारू सिगरेट चरस गांजा वाले वो भी मिल जाते हैं, तो अच्छे फ्रेंड्स रखो जो ठीक हो, जो आपको समझें, आप उनको समझो, एक दूसरे को समझ के आप लोग अच्छे से जो सब्जेक्ट्स आपका है उसको कवर कर सकते हो। तो ये था। तो फिर 1-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर रात का ही टाइम था, लाइब्रेरी से बुक वुक लेके आए थे, तो बोले चल भाई अन्ना पढ़ते हैं, और बाकी के फ्रेंड लोग भी थे सब। और उस दिन क्या हुआ था, हम लोग जिस समय हम लोगों का एग्ज़ाम चलता था उस टाइम अपन लोग खाना बनाने के लिए एक आंटी रखे थे, वो आती थी और खाना बना के चले जाती थी। तो उस दिन आंटी आई थी, और उसके पहले उस दिन नहीं आई थी, जिस दिन हम लोग कॉफ़ी बना रहे थे, तो उस दिन अपन लोग बाहर से ही खाना खाए थे। तो अन्ना को भी ले जा के खाना वाना खिला के ला के रूम पर ही बोले सो जा भाई, आंटी आई खाना वाना बनाई, हम लोग सब खाना वाना खाए, और खाना खाने के बाद अपन लोग थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकले, तो अन्ना रूम पर ही बैठा था। आपको विश्वास नहीं होगा, जब अपन लोग रूम पे आए ना, रूम पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि रूम पे वो है ही नहीं। तो यार कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है, कैसे होगा ऐसे में। अब उसको खोजना शुरू किया हम लोग 5-6 लोग, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा डर था, क्योंकि जिस टाइप का वो बात कर रहा था, मेरे को नहीं रहना है, मैं यहाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, वो देख के डर गया था, उसको एक तरीके का फोबिया हो गया था, उसको डर बैठ गया था उसके अंदर में, क्योंकि वो सीनियर से भी मिला था जिनका बैक लगा हुआ था। देखो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ना बैक जो पढ़ने में ठीक नहीं होते हैं ना, उनका लग ही जाता है, और फर्स्ट ईयर के में जिनका एडमिशन हुए रहता है वो नए नए होते हैं और उनको पता नहीं होता है, तो उनको ये डर ना होता ही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग को ये डर हो जाता है कि पता नहीं ये सीनियर पढ़ने में इतने अच्छे हैं, तब इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। जबकि ऐसा नहीं है, आपको अपने अंदर हिम्मत बना के रखना है, आपका हो सकता है, आपका और अच्छा से होगा। हम लोग रूम पे आए, नहीं मिला, सब साइड खोजे पूरा कॉलोनी में, कहीं नहीं दिखा, रूम पे एक जगह बैठ गए, फ़ोन लगा रहे, फ़ोन स्विच ऑफ, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। 10-15 मिनट के बाद फिर अपन सोचे यार वहाँ सामने थोड़ी दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे रेलवे ट्रैक था, वहीं से ट्रेन जाता था, तो हम सोचे यार चलो अब नहीं मिल रहा है तो उस साइड भी देख के आते हैं, कहीं उधर साइड में कहीं बैठा होगा। तो अपन लोग जब भी टेंशन वेंशन में रहते थे तो वहाँ से 100 मीटर की दूरी में रेलवे ट्रैक था, आउट था एकदम, वहाँ पे जाके बैठ जाते थे, बढ़िया पेड़ वेड़ था, वहाँ अच्छा लगता था, मतलब अपना वो मतलब मेमोरेबल प्लेस बोल सकते हो, बहुत अच्छा जगह था टेंशन कम करने का, साफ सुथरा जगह, पेड़ पौधा मस्त, एकदम गार्डन था वहाँ पे, और थोड़ा सा दूरी पे वहाँ से ट्रेन जाता था, रेलवे स्टेशन पास में ही था, मतलब हम लोगों का जो फ्लैट था उसके 3rd फ्लोर से पूरा ट्रेन जाते आते दिखता था। गए वहाँ पे,
तो देखते हैं, पहले तो एक ही फ्रेंड गया, अपन पीछे से आ रहे थे, तो देखते हैं कि मतलब हमारे फ्रेंड लोग गए, देखते हैं कि वो रेलवे ट्रैक पे ही लेट गया है। बोलता है नहीं मैं सुसाइड कर लूँगा। अरे भाई मत कर यार, ऐसे क्यों कर रहा है। हमारे पास फ़ोन आया, पीछे ही थे अपन, भागे एकदम फुल स्पीड से, उसको पकड़ के वहाँ से उठा के, रेलवे ट्रैक से उठा के फिर रूम पे लेके आए। तीन चार लोग ऐसे करके पकड़ के लेके आए उसको, तो थोड़ा हैवी भी था, थोड़ा मोटा था वो, बहुत मुश्किल से लेके आए और उसको समझाए भाई तू नहीं करना है तो मत कर, पर यार सुसाइड उसाइड मत करना यार, ऐसे हार मत मान, ऐसे मत कर भाई, आप लोगों को हार नहीं मानना है। तो आज का जो ये स्टोरी है इसलिए अपन आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा होता है मेडिकल कॉलेज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो झेल नहीं पाते हैं प्रेशर को, प्रेशर मेंटेन नहीं होता है और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन दिखता है वो भूल जाते हैं कि उनके पीछे माँ बाप भाई बहन भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा दोस्त ज़रूर रखना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयस हो, एक फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड, जिससे कि आपके अंदर का जो प्रॉब्लम है ना आप शेयर कर सको, जिससे आपका मन हल्का हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है, प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, तब ही आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो BAMS का फर्स्ट ईयर हो चाहे वो MBBS का फर्स्ट ईयर हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, घर वाले लोग फ़ोन करके पूछते हैं बेटा खाना खा लिया, बेटा क्या कर रहा है, बेटा टहलने गया था कि नहीं गया था, बेटा आज कॉलेज में क्या हुआ, सर क्या बोल रहे थे, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। जितना खुद को टेंशन नहीं रहता उससे ज़्यादा घर वालों को टेंशन रहता है, आपके माँ बाप को, इसलिए उनके बारे में आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी ऐसा कुछ दिमाग में आए उल्टा पलटा अगर आपके दिमाग में आता है तो बिल्कुल भूल जाएं वो सब चीज़ों को। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। BAMS का फर्स्ट ईयर ही तो है, आराम से क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, ध्यान रखना है, जो डर रहे ना डर को हटा दो और हिम्मत करके लड़ो तो जीत ज़रूर मिलेगा, जीतना तो है ही, बट बिना लड़े ही हार जाओगे तो फिर कैसे होगा। लड़ोगे तब ना पता चलेगा, एक्सपीरियंस कैसे पता चलेगा। अब क्लिनिक खोले नहीं हो, क्लिनिक खोलना है डर लग रहा है, एक दो साल तक कैसे बैठेंगे, पेशेंट नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें सोचना बंद करो और करना है तो सीधे कर जाओ, वैसा रहो। ये सोचने वाला जो फोबिया रहता है ना दिमाग में वो सब हटाओ। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था, वो फ्रेंड को अपन बहुत मुश्किल में समझा पाए, उस दिन अपन हार गए थे, इसलिए अपन थंबनेल में लिखे कि मैं हार गया, क्योंकि अपन उसको समझाने का उससे पहले भी कोशिश किए थे जब वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, बट उस टाइम अपन नहीं समझा पाए, हमको लगा बहुत ख़राब लगा कि यार नहीं समझा यार, इतना अच्छा दोस्त है अपन उसके, समझना चाहिए उसको अपन अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपका दोस्त अगर आपको कुछ बोलता है तो आपको दिल से समझना चाहिए और मानना चाहिए उसका बात। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि प्रेशर को हैंडल करने का कोशिश कीजिए, ना कि सुसाइड करने का कोशिश कीजिए, और अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखिए। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, एक बार के लिए ऐसा भी लगेगा कि बेकार है ये दुनिया, बेकार सब बेकार है, घर वाले भी बेकार हैं, मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ लगेगा, पर इन सभी बातों पे आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान देना है कि आपका मेन मोटो क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, एक होम्योपैथी डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है या फिर BDS करना है, ये चीज़ मेन जो आपका एम है ना उस पर आप फोकस रखो, बस यही चीज़ है। तो आज के वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपन जो हमारा रियल एक्सपीरियंस था हमारे फ्रेंड के साथ वो आप लोगों के साथ अपन शेयर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का ID है, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपन आपको हमेशा ऐसा ही मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू।